ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट. आई बात समझ में? नहीं आई. कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब यह होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से कोई एक यूनिट मास को हम इन्फिनिटी से उस ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करते हैं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, या एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से लाने में किसी पॉइंट पी तक, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. मतलब जैसे एक ग्रेविटेशनल फील्ड है सपोज, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से हम एक यूनिट मास को लेके आ रहे हैं, यूनिट मास को हम वहां से उसको लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पी तक, तो वहां से यहां तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया उसको हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल. लिखेंगे हम इसको द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल. ठीक है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, स्लोली. स्लोली, स्लोली का मतलब क्या हुआ? क्यों लिखा स्लोली? बिकॉज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. जब हम यूनिट मास को कहीं इन्फिनिटी से उस दैट पॉइंट तक हम लेके आ रहे हैं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. हम बहुत स्लोली स्लोली उसको लेके आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? जीरो रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ वेरी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फिर से वही बात आ गई यहां पे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वेरी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. चाहो तो लिख सकते हो इसको, आगे बढ़ते हैं. इसमें लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास लिखेंगे हम इसको. पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी आर डिस्टेंस पर, किसी
आर डिस्टेंस पर। तो लेट द, हम ये मान लेते हैं, लेट द यूनिट मास बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस डी आर। पी पॉइंट से हमने डिस्प्लेस किया डी आर डिस्टेंस पर टूवर्ड द मास एम। लेट द वर्क डन इज गिवन बाय द, वर्क डन क्या हो जाएगा यहां पे, डीडब्ल्यू, छोटा सा वर्क होगा ना, डी आर डिस्टेंस ही तो हमने उसको डिस्प्लेस किया है। वर्क डन इज इक्वल टू डीडब्ल्यू, और डीडब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर। वर्क कितना होता है, एफ डॉट डी आर, यानी जी एम आर स्क्वायर, जी एम आर स्क्वायर डी आर। यूनिट चार्ज है ना, इसलिए एक एम का चार्ज हमने वन कर दिया। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इन्फिनिटी टू आर, आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं ना, तो इन्फिनिटी टू आर, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम आर स्क्वायर डी आर, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस जी एम बाय आर। क्या वैल्यू आई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, वी इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें हम। यूनिट इसकी होती है जूल केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड क्या, जूल पर केजी, यूनिट होती है इसकी जूल पर केजी। समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इसका भी वैसे ही होगा, वही रिंग की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग किसी एक्स डिस्टेंस पे, वापस से वही सब करना है हमको, तो मैं डायरेक्ट लिखवा ही देता हूं, याद रहना चाहिए बस, सब कुछ सेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे इसको, इसलिए इसको यहां पर डेराइव करके ज्यादा हम टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। तो लिख लो, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, फाइंड पोटेंशियल
फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर ये लो एक्स डिस्टेंस पे मास एम रेडियस आर मास एम रेडियस आर ये पी पॉइंट है क्या है ये पी पॉइंट है ठीक है एम मास है रिंग का ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अंडर रूट वही सारा खेल जो पहले किया हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम ये मान सकते हैं कि रिंग जो है काफी सारे छोटे छोटे मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होगी एम वन एम टू एम थ्री एम फोर है ना तो देखो ये रिंग है और इससे ये पॉइंट है तो इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस यही होगी ये सेंटर से तो भले ही रखा है लेकिन वो इस तरह से खड़ी हुई है ये रिंग ऐसे खड़ी हुई है ऐसे है ये रिंग इससे ये डिस्टेंस मान लो ये ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये रिंग है और ये पॉइंट यहां है तो इसकी यहां से यहां से यहां से सब जगह से डिस्टेंस सेम होगी यानी हर पार्टिकल की डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी तो अगर मैं वीपी बोलू हर पार्टिकल की वजह से तो हो जाएगा माइनस जी एम वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अगला माइनस जी एम टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में माइनस जी एम थ्री आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डॉट 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 जी एम एन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही रहेगा ठीक है तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें माइनस जी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा एम वन एम टू एम थ्री एम फोर प्लस में तो सबको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो टोटल मास बन जाएगा तो वो वीपी एट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये लो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है और अगर हम बात करें कि सेंटर पे कितना होगा क्या बात करें हम कि सेंटर पे कितना होगा तो इसको पॉइंट को सेंटर पे ले आओ जैसे ही सेंटर पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जीरो यानी एक्स को जीरो पुट कर दो यहां पे जैसे ही ये लो मैं लिख रहा हूं यहां पे वी सेंटर एक्स जीरो यानी अंडर रूट में आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा जी एम अपॉन आर सेंटर पे हो जाएगा ये और किसी पॉइंट पी पे हो जाएगा वो लिख लो उसको जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर लिख लेंगे हम इसको जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर